Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Studies Articles by Mary. अच्छा self-assessment 6.1 क्या chemistry class 9 self-assessment 6.4 की continuation 6.5 अच्छा question 1 देखिए sodium hydroxide solution are used to neutralize acids in the preparation of soaps and rayon. इसमें हमें दिया हुआ है 25 gram NaOH and volume दिया है 1 dm cube. अब हम इसकी molarity find करते हैं. ये देखें इसका ये solution है, ये आपके पास निकलेगा ये सोल्यूशन. आप देखिए क्वेश्चन टू, हमें मोलैरिटी गिवन है, अब हमने मास निकालना है इन डीएम क्यूब. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम जो है 1 डीएम क्यूब से 1000 सीएम क्यूब किया, फिर मास ऑफ सोल्यूट जो है उसका मास इन ग्राम्स निकाला और फिर एक ये फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन थ्री. उसमें है क्या, हेमोग्लोबिन का ग्राम बताया हुआ है और उसके मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं. ठीक है, मोलर मास बताया हुआ है. अब आगे हम इसके सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, इस फार्मूले के थ्रू. ये फार्मूला थोड़ा कॉमन है तो आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट में ज़रा चलें. जो भी कोई क्वेश्चन है आप काइंडली मुझे मेल कर दिया करें. प्रीवियस भी उसमें किसी स्टूडेंट ने मुझे मेल किया तो उसने मुझे बताया नहीं उसका इशू क्या, जस्ट मेल की. तो काइंडली आप अपना इशू भी थोड़ा नोट डाउन कर दिया करें कि आपका क्या कहाँ इशू आ रहा है. ठीक है, ये अपने क्वेश्चन की जो पिक है वो मुझे ईमेल कर दिया करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन रिटन फॉर्म में आपको मेल कर दूँगी. ठीक है, मेरा जो ईमेल है वो मेरे अबाउट में गिवन है, मेरे चैनल के अबाउट से आप देख लिया करें. इंस्टा है, फेसबुक है, जहाँ पर भी आप एक्सेस करना चाहें जो आपको ईजी लगे. ठीक, अच्छा ये 6.6 सेल्फ असेसमेंट है केमिस्ट्री क्लास 9 की. ये क्वेश्चन 1 है, हाउ कैन यू प्रिपेयर. वैसे बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं क्योंकि ये जो है ये थोड़े प्रिपेयर वाले जो होते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, सो अब मैं आपको दिखा तो देती हूँ क्योंकि इग्नोर तो नहीं किया जा सकता कुछ भी. आप देख लें ये, इसमें थोड़ा प्रोसेस भी होता है और फिर उसमें हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी करते हैं. ठीक है, 6.7 आप देख लें, ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये M1V1 M2V2 ये हमें जो है इनिशियल दिया होता है और फाइनल हमने निकालना होता है, तो ये जो है फार्मूला यूज़ होता है एसिड और बेस सॉल्यूशंस में. M1V1 = M2V2. ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है, स्टॉक ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोलिक एसिड इज 12.1 मोलर. मोलारिटी गिवन है तो हमें वॉल्यूम निकालना है और एक सैम्पल गिवन है उसका वॉल्यूम गिवन है उसके रिस्पेक्ट से निकालना है. ठीक, ये क्वेश्चन 2 है, ये भी बेसिकली इसी तरह होगा. आप देख लें मैंने आपको के खातिर एक थोड़ा वाजे सा एक व्यू आपको दिया है. ये देखें कमर्शियल एसिटिक एसिड मोलर सॉल्यूशन. अच्छा 6.8 में ना आपने जस्ट थोड़ी रीजनिंग करनी है. सो अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर इफ नॉट व्हाई. सो ये जो है ना ये जस्ट थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं तो इसमें आप ये रीजन्स पढ़ लें. मैं ये दिखा देती हूँ आपको थोड़ा क्लियर करके, तो आप वीडियो पास करके ना अपने लिए तो पेज में से आप लिख सकते हैं. मैंने कहा ये थोड़ी रीजनिंग है ना तो ये आपको बस ऐसे ही जस्ट लिखा हुआ एक आइडिया दे दूँ, बाकी आप समझ के अपने अल्फाज में लिखें. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मिसिसिबल. मिसिसिबल का मतलब है कि बिल्कुल हल हो जाने वाले. ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्म शेप में जब आ जाए सोल्यूशन, जैसे चीनी और पानी को मिक्स करो तो मिसिबल बन जाता है, लेकिन जो ऑयल है और वाटर है उसको करो तो इमिसिसिबल है, ये वो कह रहे हैं. अच्छा जी, मेरे ख्याल में सारी सेल्फ असेसमेंट्स हो चुकी हैं चैप्टर 6 की. सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप मुझे मेल कर दें विदाउट एनी इशू. ठीक है, मैं आपको विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई दे दूँगी. सो आप मेरी नून अकेडमी ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर मेरे कॉन्टेंट को फाइनेंशली सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं नीचे लिंक दे देती हूँ. और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं चैनल, अपनी फैमिली फ्रेंड्स इधर उधर जो भी आपके सर्कल में है. सो होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. स्टे ट्यून्ड.